तंज कसने जाने को लेकर छात्रों के दो गुट में हुई झड़प में एक छात्र की हत्या कर दी गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। ये वारदात शुक्रवार की दोपहर सेमिनरी हिल्स के बाल उद्यान के पास घटित हुई। पुलिस ने हत्या के सूत्रधार सहित 8 छात्रों को हिरासत में लिया है। इस वारदात में पुलिस और पालकों में खलबली मची है। वारदात की शुरुआत शुक्रवार की सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित रायसोनी कॉलेज से हुई। हत्या का सूत्रधार दीपांशु पंडित रायसोनी कॉलेज में पॉलिटेक्निक दूसरे वर्ष का छात्र बताया जाता है। सूत्रों के अनुसार दीपांशु ने सुबह अपने क्लास की एक छात्रा पर छींटाकशी कर छात्रा ने अपने सहपाठी प्रियांशु को इसकी जानकारी दी। प्रियांशु और उसके दो दोस्त मित्र छात्रों ने दीपांशु को कॉलेज की कैंटीन में छींटाकशी नहीं करने की समझाइश दी। दीपांशु के मित्रों के भी वहां मौजूद होने से दोनों गुट के बीच कहासुनी हो गई। दोनों गुट कॉलेज के बाहर आ गए। वहां सड़क पर उनके बीच एक बार फिर मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट से दीपांशु पूरी तरीके से तिलमिला गया। इसके कुछ देर बाद प्रियांशु अपने साथियों के साथ बाल उद्यान पहुंचा। उसने दीपांशु को चर्चा के लिए बाल उद्यान में बुलाया। दीपांशु के मित्र राम ने मोहन नगर निवासी अपने मित्रों को बाल उद्यान आने को कहा। सुधांशु पंडित, आयुष तांबे, ऋतिक लंबादे, अमन सहित 8 से 9 युवक हथियारों से लैस होकर बाल उद्यान पहुंच गए। बाल उद्यान के रेस्टोरेंट में प्रियांशु, हर्ष डांगे, अनिकेत कसार सहित 8 से 10 छात्रों के साथ बैठा हुआ था। दीपांशु और साथी पहले ही हमले की तैयारी में थे। उन्होंने चाकू और अन्य हथियार भी अपने साथ लेकर आए थे। उन्होंने प्रियांशु और उनके साथियों ने मुकाबला करने का काफी प्रयास किया, पर दीपांशु के साथी उस पर हावी हो गए। हमले में हर्ष डांगे और अनिकेत कसार भी जख्मी हो गए हैं। अनिकेत साथी की बाइक से अस्पताल रवाना हुआ, जबकि हर्ष कुछ दूर तक दौड़ने के बाद गिर पड़ा। तभी पीछे से आए दीपांशु और साथियों ने चाकू से वार कर हर्ष की हत्या कर दी। आपको बता दें कि घटना के वक्त रेस्टोरेंट में काफी लोग मौजूद थे। हमलावरों ने रेस्टोरेंट की कुर्सी और फर्नीचर को भी तोड़ डाला, जिससे लोग भी भाग खड़े हुए। वारदात का पता चलते ही क्राइम ब्रांच के DCP चिन्मय पंडित तथा जोन 2 के डॉक्टर संदीप पखाले मौके पर पहुंच गए। पुलिस टीम को तत्काल आरोपियों की धरपकड़ करने के भी निर्देश दिए गए। कुछ ही देर में सभी को खोज निकाला गया। जो मेरे गाड़ी के आजू बाजू हुआ घूम रहा था, दुकान के आसपास में भाग रहा था, जिसको पैर में मार लगा। दूसरा जो है मेरे दुकान से कम 30-40 फुट की दूरी पे था। क्या वो भी लड़के यानी मतलब अपने तैयारी के हिसाब में आए थे, क्योंकि उन्होंने बोले गेम हो गया करके, ऐसा इन लोगों ने बोले। तो मैं पलट के देखा गेम हो गया, तो बोला क्या का गेम हुआ करके, तो इतने में बोला जैसा तो लड़के वो मारना चालू हो गया था। क्या उम्र लग रही थी कि स्कूल को? 20-25 साल के लड़के थे, जिसमें एक लड़का यानी मतलब यूनिफॉर्म के ऊपर में था। वो अपने उन्होंने खुद ही अपने ग्रुप उनके जो इंजर्ड हुए उसी ग्रुप के लोगों ने लड़कों ने लेके गए उनको। मैंने उसको कपड़ा दिया जिसको पैर में लगा, कपड़ा दिया उसको, कपड़ा बांधने के लिए दिया। मैंने ये कपड़ा ले ले बाबू, बांध ले और कुछ नहीं होता, जा मैं वो में चले जाकर। घायल तो मेरे पास मेरे को जो पैर में जिसको लगा बस वही लड़का जो है घायल दिखा मेरे को। और दूसरा जो है बाद में फिर एक जब क्या मतलब कुछ का पुलिस स्टाफ आया, उसके बाद में एक लड़का वो उसने बताया, जो लड़का रिपोर्ट देने के लिए सहायता मदद के लिए जो गया था, वो लड़के ने उसको बताया कि एक लड़का वहाँ आगे पड़ा हुआ है करके। वो लड़का यहाँ से मिला मेरे को, तो वह बाद में मैं जाके देखा तो वह व्हाइट शर्ट पहन के था, जिसको पेट के ऊपर में मार लगा हुआ। वो भी अंदाजा मेरे ख्याल से 5-6 लड़के थे ही। जो यामध्ये आम्ही चौकशी केली, गुन्हा रजिस्टर झालेला आहे। यामध्ये रायसोनी MIDC वाडी रायसोनी कॉलेज या ठिकाणी विद्यार्थ्यांमध्ये काही कारणावरून वाद झाला सकाळी। त्यानंतर त्यांनी एकमेकाच्या मित्रांमध्ये बोलवून त्यानंतर 1-1.5 वाजे दरम्यान पुन्हा त्यांच्यात वाद झाला। त्यानंतर ते एकमेक बाजूला गेले। एक ग्रुप जो आहे ज्यामध्ये जखमी आहे अंकित कसर, हे नंतर तिथून निघून रायसोनी आपलं सेमिनरी हिल या ठिकाणी आले। आणि सेमिनरी हिल या ठिकाणी हे यांच्या मित्राबरोबर आले असता ज्यांच्याशी वाद झालेला होता तेही परत पाठीमागून त्या ठिकाणी आले आणि त्यांच्यात डायरेक्ट वादावादी होऊन त्यामध्ये हर्ष दांडगे हा मयत झालेला आहे आणि अंकित कसर हा जखमी आहे, सध्या त्याचे उपचार चालू आहेत। NBC News के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।